नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे हम लोग टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट प्रोफेसर और इकोनॉमिक्स से संबंधित उन सभी प्रश्न पत्रों को देखते हैं, जहां भी दोस्तों जहां भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित। मतलब ये जो सेशन है ये पूर्णतः डेडिकेटेड है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। शाम को 7 बजे ऑब्जेक्टिव की क्लास होती है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्लास होती है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन को भी देखते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। हमारी दो क्लासेज होती है दोस्तों, पहली क्लास यूट्यूब पे शाम को 7 बजे जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव की क्लास होती है, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और जो दूसरी हमारी क्लास होती है दोस्तों, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। ये दोस्तों, ये जो क्लास होता है ये कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, अर्थात ए टू जेड जितने भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बनते हैं, ए टू जेड जितने भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, अर्थात ये थियरी की क्लास होती है। अगर जो दोस्तों आप हमारे साथ एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 1 घंटे कम से कम एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के थियरी की क्लास अर्थात कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़नी होगी और 1 घंटे 30 मिनट आप हमारे साथ यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। दोस्तों देखिए, 2 घंटे 30 मिनट मोर देन सफिशियंट होगा आपके सिलेक्शन के लिए। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आपका बहुत, मतलब आप मान के चलिए कि अगर जो आप 2 घंटे 30 मिनट तल्लीनता के साथ हमारे साथ पढ़ते हैं तो आपको इन फ्यूचर में कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि हर चीज को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एप्लीकेशन पे जो क्लास चल रही है, आप ए टू जेड आपको कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं इकोनॉमिक्स के, संडे टू संडे आपको यहाँ पे टेस्ट होता है जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर पाएंगे कि किस तरीके की तैयारी आपकी हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों, क्लास नोट्स जो एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या होती है, क्लास नोट्स इकोनॉमिक्स के नहीं मिल पाते। नोट्स इकोनॉमिक्स के मिल भी जाते हैं तो समझ में नहीं आता है पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। तो दोस्तों, सिंपल सटीक और साधारण भाषा में हर नोट्स आपको दिया जा रहा है। वैलिडिटी आप कोर्स जो आपकी होने वाली है ये लाइफ टाइम, इट मीन्स कि आप अगर जो एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। एडमिशन फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये है और एडमिशन जो है दोस्तों आपका वो स्टार्ट है। तो एडमिशन ओपन है दोस्तों, एडमिशन लेने के लिए आपको 2000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे इस नंबर पे 94-15-863-873 पे। पेमेंट दो बार भी आप कर सकते हैं, 1000 एक बार, 1000 एक बार, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो 2000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा गूगल पे फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए, क्लास नोट्स के लिए, प्रैक्टिस क्लास के लिए, पीडीएफ के लिए, आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इकोनॉमिक्स के नोट्स अवेलेबल है, टीजीटी पीजीटी के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यूजीसी नेट के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जेआईसी लेक्चरर के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एलटी ग्रेड का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो उसके लिए भी आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन का, ठीक है। ठीक है, अपने सेशन को अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि सब कुछ ठीक तो आ रहा है ना। संतुलित विकास का अर्थ क्या है, पहला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा कि संतुलित विकास का अर्थ है, संतुलित विकास का अर्थ क्या है। बिल्कुल ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए ठीक है, आरिफा बेगम जी, सोनी शर्मा जी, संजय जी, जोही शुक्ला जी, तस्नीम खान जी, रेनू जी, आई एम इमेजिन जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की क्लास जो थी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इस वजह से क्लास आपकी क्लोज थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब आ गए हैं दोस्तों और अब एकदम मन लगा के तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब तो जो आचार संहिता वाली बात थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने जा रही है। 10 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद वैकेंसी की भरमार आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, भैया सी के तरफ क्यों जा रहे हैं, भैया सी क्यों होगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा ना। बी में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में संगति रूप में क्या हो दोस्तों, वृद्धि हो, ठीक है। मतलब अर्थव्यवस्था में जितने क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में समान रूप से अगर जो वृद्धि किया जाए या समान रूप से इनमें इन्वेस्टमेंट किया जाए और ये समृद्धि के पथ पे अग्रसर हो, तो ऐसी स्थिति को ही तो संतुलित विकास कहेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न, और असंतुलित विकास सॉरी संतुलित विकास के समर्थक कौन थे? वो थे रैगनर नर्स, और असंतुलित विकास के समर्थक कौन थे? हर्ट्समैन। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, गुड इवनिंग अंबिका कुमारी जी, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, थोड़ा लाइक और शेयर भी करते रहिए। चलिए अब हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न है कि सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य है, सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य क्या होता है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों अब। चलिए बताइए सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य क्या है। बिल्कुल, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए तो क्या होगा उत्तर भैया, आराम से करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे प्रश्नों में गलतियां होती हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ठीक है डी, जितने लोग भी कर रहे हैं भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि जब सभी साधनों तथा उत्पादन की वृद्धि समान दर से हो तथा यह दर समय के प्रति स्थिर हो। ठीक है, मतलब क्या हो, सहज समृद्धि अवस्था का मतलब क्या है कि जब सभी साधनों की उत्पादन वृद्धि जो होगी वो क्या हो, समान हो, किसी में विभिन्नता ना पाई जाए, और साथ ही साथ वह दर समय के प्रति क्या हो, स्थिर रहे, बहुत ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव देखने को न मिले। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला कि हैरड प्रतिमान में यदि वांछित विकास दर वास्तविक विकास दर से कम होता है तो परिणाम यह होगा कि, अच्छा सा प्रश्न है ये, प्रश्न एक कॉन्सेप्ट से अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर, गलतियां होती हैं। चलिए लाइक शेयर थोड़ा कर दीजिए दोस्तों, और आज क्लास कई दिनों बाद स्टार्ट हो रहा है तो बहुत सारे लोग को मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है, हाँ क्या होगा उत्तर इसका, कि हैरड प्रतिमान में यदि वांछित वृद्धि दर वास्तविक विकास दर से कम होता है तो परिणाम यह होता है कि, क्या होगा भैया, क्या परिणाम होता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि स्फीति अर्थात महंगाई की स्थिति विद्यमान हो जाती है। तो जितने लोग भी ए की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि हैरड मॉडल में दोस्तों हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो हैरड मॉडल में ये बात बताया था ना कि अगर जो वांछित विकास की दर है ये वास्तविक विकास की दर से कम हो, ठीक है, अर्थात इस तरीके से हो, ठीक है, इस तरीके का चिन्ह मैंने बताया था, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अर्थव्यवस्था में स्फीति की स्थिति विद्यमान हो जाती है। अगला कि जे आर हिक्स के अनुसार दिए हुए पूंजी श्रम अनुपात पर तकनीकी को तटस्थ कहा जाता है यदि वह, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बिल्कुल ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करते रहिए इतने सारे लोग, और अब देखिए दोस्तों एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ हम लोग को जुड़ना है, ठीक है, एक नए उत्साह और नए एनर्जी के साथ अब जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपका जो आचार संहिता वाली बात थी वो भी खत्म होने वाली है, और चुनाव का रिजल्ट भी 10 तारीख को आ जाएगा, तो उसके बाद दोस्तों आप मान के चलिए कि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो अब कंसंट्रेट होके एकदम ईमानदारी से चीजों को आगे करिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, क्या उत्तर आ रहा है भाई, चलिए ऑप्शन नंबर बी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं कि श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता में समान दर से वृद्धि करता है। भैया बिल्कुल बहुत सही आप लोग बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी की बात कर रहे हैं ना सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि जे आर हिक्स के अनुसार दिए हुए पूंजी श्रम अनुपात पर तकनीकी को तटस्थ मतलब क्या होता है, तटस्थ मतलब स्थिर की बात होती है, ठीक है, स्थिर कहा जाता है यदि क्या हो, श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता के समान दर से क्या हो, इसमें वृद्धि हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है चलिए ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है, प्यारा सा प्रश्न, बिल्कुल कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है बिल्कुल, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, ठीक है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है।
तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था का उत्पादन जो संभावना वक्र होता है ये बाहर की ओर हटता हुआ होता है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको करवाया, ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर हटता है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि नर्स के अनुसार एक अल्प विकसित देश में छिपी ही बेरोजगारी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है दोस्तों, ये रैगनर नर्स की बात हो रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर क्या होते हैं ना, छुप के निकल जाते हैं, लोग को समझ में नहीं आता है कि यार ये इस प्रश्न की प्रकृति कैसी है। चलिए गलती नहीं करना, इस प्रश्न का उत्तर करिए और थोड़ा सा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए, ठीक है। इतने सारे लोग जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम है, तो निवेदन है कि थोड़ा लाइक और शेयर जरूर किया करिए। ये रैगनर नर्स साहब की यहाँ पे बात हो रही है, तो बताइए कि नर्स के अनुसार एक अल्प विकसित देश में छिपी हुई बेरोजगारी है, ठीक है। तो क्या उत्तर होगा भैया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग ठीक है, जितने लोग ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी की बात बोल रहे हैं ना, बचत का संभाव्य साधन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो रैगनर नर्स के अनुसार एक अल्प विकसित देश में छिपी हुई बेरोजगारी है, बचत का एक संभाव्य क्या है, ये साधन है। यही तो होता है ना दोस्तों, हमने कितनी बार देखा है, हमने यही तो बात देखते हैं ना कि जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है ये कृषि क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है कि कम लोगों की जरूरत होती है लेकिन ज्यादा लोग लगे रहते हैं, तो यहाँ पे बचत हो सकता है ना कुछ लोगों का, जो जिन जो श्रमिक ज्यादा लगे हैं उनका बचत तो किया जा सकता है ना। तो उसी सेंस से ये कनेक्ट करके कह रहा है कि बचत का एक संभाव्य साधन होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि उड़ते हंसों की पंक्ति प्रारूप फ्लाइंग गिज मॉडल का संबंध औद्योगिकरण के उस प्रारूप से है जो विशिष्ट है। अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल रेणु जी, निकी खान जी, देवेंद्र जी बिल्कुल ठीक है, प्रियम मिश्रा जी, अनिल भान जी, ज्योत्सना जी, आरिफा बेगम जी, रोहितेश जी, रोहितास जी, आई एम जी, अनिल जी, चलिए बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आया है, ठीक है। चलिए आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर कि उड़ते हंसों की पंक्ति प्रारूप फ्लाइंग गिज मॉडल का संबंध औद्योगिकरण के उस प्रारूप से है जो विशिष्टीकरण है, मतलब इसकी बात किसने कहा था। चलिए बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, सही उत्तर अभी तक नहीं आया है, ठीक है। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं भैया, सही उत्तर का प्रयास करिए। गलती गलती गलती, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं, बहुत सारी गलतियां आ रही है दोस्तों। तो ये जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है। जो स्टेटमेंट दिया गया है ये पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था है, उसके संदर्भ में बातें कही गई है। तो जितने लोग भी डी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उड़ते हंसों की पंक्ति प्रारूप फ्लाइंग गिज मॉडल का संबंध औद्योगिकरण के उस प्रारूप से है जो विशिष्ट है पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि असंतुलित विकास प्रकल्पना इस मान्यता पर बनाया गया है कि, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गलतियां बहुत होती है, गलतियों को सुधारना है, गलतियां यहाँ पे दोस्तों होती हैं बहुत सारी, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, गलतियां होती हैं बहुत सारी। असंतुलित विकास प्राकलन इस मान्यता पर बनाया गया है कि, किस मान्यता पर बनाया गया भैया, थोड़ा लाइक शेयर भी कर दिया करिए। सेशन में बहुत सारे लोग जुड़े हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम है, तो लाइक शेयर करते रहिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। और थोड़ा सा जो भी आपके मित्र हैं उनसे आप जरूर कहिए कि सर ने क्लास स्टार्ट कर दिया है, एक लंबी, मतलब लंबी क्या, ठीक है, एक सप्ताह की छुट्टी थी, कुछ कारण थे मेरे, कुछ व्यक्तिगत कारण थे, इस वजह से क्लास क्लोज थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, अब आपकी क्लास होनी है, ठीक है। चलिए कि असंतुलित विकास प्राकलन किस मान्यता पर बनाया गया है कि, किस मान्यता पर बनाया गया भैया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। इनका ये मानना था कि पूंजी और जो श्रम होता है इन दोनों की जो पूर्ति है वो स्थिर है, पूंजी और श्रम की पूर्ति जो है स्थिर है,
ये दोस्तों असंतुलित विकास के अंतर्गत कहा गया है। और असंतुलित विकास का मतलब क्या है, हर्ट्समैन ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में ए बी सी और डी ये चार क्षेत्र है, और अगर जो बी और डी में निवेश कर करके ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है, तो पहले पहले क्या करिए कि बी और डी में निवेश करिए, और उसके बाद जो लाभ मिलता है फिर जाके आप बी और सी में निवेश करिए। इससे क्या होगा कि आपका अर्थव्यवस्था जो हो जाएगा वो सुचारू रूप से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि आधुनिक समृद्धि सिद्धांत का जन्म दो अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित संतुलन या चर घातांक की समृद्धि की अवधारणा के महत्वपूर्ण योगदान से माना जा सकता है, वे कौन से हैं। चलिए तो आप लोग की छुट्टियां कैसी रही बताइए, मजा आया, छुट्टियों का इस्तेमाल आप लोगों ने कैसे किया। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। हालांकि मुझे लगातार बहुत सारे लोगों का मैसेजेज आता रहा, कॉल भी आता रहा कि सर क्लास कब शुरू करेंगे, सर क्लास कब शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि आधुनिक समृद्धि सिद्धांत का जन्म दो अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित संतुलन समृद्धि की अवधारणा के महत्वपूर्ण योगदान से जाना जा सकता है, वे कौन से हैं भैया। तो वे कौन से हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, एडवर्ड डेनिसन तथा एस साइमन कुजनेटस की बात हो रही है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि अपने विकास के सिद्धांत में सुम्पिटर ने बल दिया, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, चले सुम्पिटर ने भैया किस पे बल दिया, और अब दोस्तों आपकी होली में छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, एक लोगों ने फोन किया कहा कि सर अब तक तो छुट्टी थी ही, अब सर आप होली में भी छुट्टी ले लेंगे। तो नहीं, मैं होली में अब छुट्टी नहीं लेने वाला हूँ, मैं लगातार अब बना रहूंगा आपके साथ। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अपने विकास के सिद्धांत में सुम्पिटर ने बल दिया। ठीक है, किस पे बल दिया था भैया सुम्पिटर साहब ने। ठीक है, किसने बल दिया था। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, देखिए सुम्पिटर साहब के संबंध में दो बातें आपको याद रखनी है, यही इस दो बात को याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा। सुम्पिटर साहब ने यह कहा था कि अगर जो आर्थिक विकास करना है तो उसमें क्या होता है कि जो नव प्रवर्तक होता है ना उसकी भूमिका अहम होती है। कहा था इन्होंने कि ये रंगमंच का प्रमुख पात्र होता है, जो नव प्रवर्तक होता है अर्थात जो उद्यमी होता है, जो नए नए आइडियाज लाता है कि अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से विकसित किया जाए, ये रंगमंच का प्रमुख पात्र होता है। और ये पैसा कहाँ से प्राप्त करता है, तो ये जो पैसा प्राप्त करता है वो बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त करता है। ये दो बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली बात क्या है कि सुम्पिटर साहब ने ये कहा था कि आर्थिक विकास के संदर्भ में उन्होंने ये कहा था कि जो नव प्रवर्तक होता है ना वो नए नए आइडियाज लाता है, उस वजह से अर्थव्यवस्था विकास के पथ पे अग्रसर होती है। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि ये जो नव प्रवर्तक है नए नए आइडियाज लाते हैं, तो उसके साथ साथ उसको क्या चाहिए, उसके हाथ में पैसा भी तो चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये पैसा कहाँ से लाएगा, वो बैंक से क्या करेगा, ऋण लेगा। ये दो बात याद रखिएगा, सुम्पिटर साहब से ही यहीं से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि संचय के स्वर्णिम नियम की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ठीक है, यह कि प्रति व्यक्ति पूंजी जहां पर क्या, थोड़ा अच्छा सा प्रश्न है, आराम से करिएगा, प्यारा सा प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। संचय की स्वर्णिम नियम की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है भैया बताइए। और ये दिया है नीचे, स्टेटमेंट पढ़िएगा जरूर कि यह कि प्रति व्यक्ति पूंजी वहां पर कहां पे भैया, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। ठीक है, तो चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की तरफ मूव कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि संचय के स्वर्णिम नियम की सही व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो संचय
के स्वर्णिम नियम की व्याख्या कौन सी सही नहीं है? तो सही ये नहीं है कि प्रति व्यक्ति पूंजी, जहां पर प्रति व्यक्ति बचत और प्रति व्यक्ति निवेश क्या हो, अधिकतम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी कर रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो संचय के स्वर्णिम नियम किसने दिया था दोस्तों, इस बात को भी याद रखिएगा कि जो संचय का स्वर्णिम नियम दिया था वो फिलिप्स ने दिया था। किसने दिया था? फिलिप्स ने दिया था। और उसमें उन्होंने कौन सी बातें नहीं कही थी? उसमें उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि प्रति व्यक्ति पूंजी, जहां पर प्रति व्यक्ति बचत और प्रति व्यक्ति निवेश अधिकतम है। ठीक है, इस बात की उन्होंने व्याख्या नहीं की है फिलिप्स साहब ने। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, कि अंतरजात समृद्धि मॉडल की अवधारणाओं को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा धैर्य से करिएगा, यूजीसी नेट लेवल का ये प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर धैर्य से करिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर जो हम लोग बात करें कि अंतरजात समृद्धि मॉडल, ठीक है, अंतरजात समृद्धि मॉडल के अगर जो क्रम की बात करते हैं, तो पहला क्रम आता है कि कार्य करते हुए हम सीखेंगे। ठीक है, पहला ये आता है कि कार्य करते हुए सीखना। ठीक है, दूसरा ये आता है कि देख कर सीखना, सॉरी, दूसरा आता है देख के सीखना, तीसरा आता है निवेश करके सीखना, और चौथा आता है दोस्तों शोध द्वारा उत्पत्ति की, शोध द्वारा विचारों की उत्पत्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोग भी डी की तरफ मूव कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अभिकथन दे दिया गया है और कारण दे दिया गया है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। ठीक है, अभिकथन और कारण। ठीक है, अभिकथन में ये कहा गया है कि किसी क्षेत्र में नव परिवर्तन या नवीनीकरण बिरले ही संबंधित क्षेत्रों में नव परिवर्तन को प्रोत्साहित करते हैं। कारण दे दिया गया है कि एक बार नव परिवर्तन लाभकारी बन जाता है तो अन्य उद्यमी झुंड नुमा गुच्छों में उसके पीछे पीछे चलते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर होगा भैया। ठीक है, किसी क्षेत्र में नव परिवर्तन या नवीनीकरण बिरले ही संबंधित क्षेत्र में नव परिवर्तनों को प्रोत्साहित करता है। नहीं भैया, बिरले ही नहीं है, हमेशा ही। बिरले की मतलब क्या है, बात कर रहा है, ये रेयरली की बात कर रहा है भैया। इकोनॉमिक्स में हिंदी के ज्ञाता भी होना जरूरी है। बिरले की बात क्या होगी, रेयरली, रेयरिटी की बात कर रहा है, मतलब रेयर की बात कर रहा है। और ये रेयर नहीं होता, ये हमेशा होता है। किसी क्षेत्र में नव परिवर्तन या नवीनीकरण हमेशा होता है दोस्तों, बिरले ही नहीं होता है, ऑफ्टन नहीं होता है, कभी कभार नहीं होता है। ठीक है, संबंधित क्षेत्र में नव परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अगर जो आपके मोहल्ले में, ठीक है, आपके मोहल्ले में अगर जो कोई एक व्यक्ति है वो बिजनेस खड़ा करता है, और बिजनेस खड़ा करता है, आपको लगता है यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, तो हम क्या करें कि हम भी उसी को, हम भी उसी प्रकार का बिजनेस कर लें और हम भी उसी तरीके से अच्छा करते चले जाएं। जैसे एक छोटा मोटा जो आपका टाउन होता है ना, जो मोहल्ला होता है ना, वहाँ पे मार्केट कुछ इसी प्रकार से विकसित होता है कि एक कोई व्यक्ति आता है, वो गोलगप्पे और चाट की दुकान खोलता है, तो जब दूसरा व्यक्ति देखता है कि अरे यार इसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो सोचता है चलो एक और हम भी अपनी दुकान लगाते हैं, तीसरा सोचता है कि हम भी एक दुकान लगाते हैं, तो हमेशा प्रोत्साहन होता है भैया ये तो गलत हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, सॉरी। और एक बार नव परिवर्तन लाभकारी झुंड बन जाता है तो अन्य उद्यमी झुंड नुमा गुच्छों में उसके पीछे चलते हैं, तो बात यही ठीक हो जाएगा ना दोस्तों। तो ये क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, ये सही नहीं है और आर सही है। तो जितने लोग भी ए करेंगे ठीक करेंगे। अगला प्रश्न कि कॉरिडोर का समृद्धि मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। अब जब अगर जो कॉरिडोर का समृद्धि मॉडल आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कैसे आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। चलिए, कॉरिडोर का समृद्धि मॉडल, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चूंकि दोस्तों क्लास बहुत दिनों बाद स्टार्ट हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्लास हो रही है, तो थोड़ा सा एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कॉरिडोर का समृद्धि मॉडल निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। चलिए, कॉरिडोर से आपका जो समृद्धि मॉडल है वो किन किन मान्यताओं पर आधारित है भैया। तो पहला तो देखते हैं
कि उत्पादन में सिर्फ मजदूरी और लाभ पाए जाते हैं। बात ये 100% ठीक है दोस्तों। जब कालडोर साहब का आप समृद्धि मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पे पहला मान्यता या दूसरा मान्यता ही पढ़ेंगे कि उन्होंने ये कहा था कि उत्पादन में सिर्फ मजदूरी और लाभ ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि निवेश उत्पाद अनुपात एक स्वतंत्र चर है, ठीक है, इसकी भी बात वो करते हैं, ठीक है। MPS और MPC स्थिरांक है, नहीं स्थिरांक की बात नहीं करते हैं, जब स्वतंत्र की चार यहाँ पे बात होती है तो स्थिरांक की बात ये नहीं करते हैं। यह पूर्ण रोजगार से कब है भैया, पूर्ण रोजगार की अवस्था की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना दोस्तों, एक और दो जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला चलिए कि अंतर्जात समृद्धि मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया। अंतर्जात समृद्धि मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत बार पूछा गया है कि भैया अंतर्जात समृद्धि मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया। चलिए भाई बताइए किसके द्वारा विकसित किया गया। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो मुझे जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोग एक उत्तर तो बहुत आराम से जानते होंगे एक उत्तर तो आप बहुत आराम से जानते होंगे, वो उत्तर है केनेथ जे एरो, क्योंकि कई बार आया है, ठीक है, एरो साहब ने किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पाल रोमर और रॉबर्ट ई लुकास, ठीक है, ये तीन आते हैं। सोलो साहब जो है अंतर्जात समृद्धि मॉडल द्वारा विकसित किए गए हैं, ये सोलो साहब के द्वारा नहीं किए गए हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एक दो और तीन। अगला, यदि लाभ या ब्याज की स्थिर दर पर पूंजी उत्पादन अनुपात भी स्थिर रहता है तो तकनीकी परिवर्तन तटस्थ रहता है, इस अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। अच्छा सा प्रश्न। चलिए तस्नीम खान जी, देवेंद्र जी बिल्कुल ठीक है, अमरेज यादव जी, विनोद कुमार जी, निक्की खान जी, चंद्रजीत यादव जी, संजय कुमार जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, अनिल जी, एके बॉस जी। अब दोस्तों ईमानदारी से लग जाइए, अब आप मान के चलिए कि 10 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है चुनाव का। उसके बाद दोस्तों दोनों पार्टियों ने जिन भी पार्टी का सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकता है, खुले मंच से इन्होंने हजारों बार दोस्तों बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं। तो अगर जो बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं, थोड़े भी अगर जो उस अनाउंसमेंट पे इन्होंने अमल किया और करना तय है, तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत ही जल्द वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और सफलता एक निरंतर प्रयास से ही मिलता है, तो निरंतर प्रयास करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ही रहा, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी की बात बोल रहे हैं, हैरड की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये हैरड मॉडल के अंतर्गत ये बात कही गई है, ठीक है। तो यदि लाभ या ब्याज की दर स्थिर दर पर पूंजी उत्पादन अनुपात भी स्थिर रहता है तो तकनीकी परिवर्तन क्या होता है, तटस्थ रहता है, अर्थात तकनीकी परिवर्तन क्या होता है, स्थिर होता है। इसकी बात किसने कही थी, ये कही थी हैरड साहब ने। भूल गया है क्या आप लोगों को, प्रश्न के उत्तर थोड़े स्लो आ रहे हैं, क्या हुआ, भूल गया है क्या, रिवीजन थोड़ा सा आप लोगों ने कम किया है क्या? ऐसा तो नहीं कि लग रहा है कि सर ये तो सारे प्रश्न भूल गए, ऐसी कोई बात तो नहीं लग रही है ना। चलिए कोई बात नहीं है, अब कंटिन्यू हम लोग रहा जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जिस आगत निर्गत अर्थात इनपुट आउटपुट मॉडल के मॉडल में अंतर्जात अंतिम मांग सदिश होता है वह क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग तरीके से अनेकों बार इस प्रश्न को देखा गया है। चलिए ठीक है, ठीक इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, क्या उत्तर आ रहा है भैया ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल ठीक होगा। तो जितने लोग भी बंद आगत निर्गत मॉडल की बात बोल रहे हैं दोस्तों सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो जिस आगत निर्गत अर्थात इनपुट आउटपुट मॉडल में अंतर्जात अंतिम मांग सदिश होता है, अंतिम मांग यहाँ पे देख लीजिए, इसी से आप तैयार कर सकते थे इस प्रश्न को, ठीक है, अंतिम मांग सदिश होता है वो कहलाता है बंद आगत निर्गत मॉडल, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि विकास के क्लासिकीय सिद्धांत में निम्नलिखित प्रतिपादकों को अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित करिए। चलिए भाई व्यवस्थित करिए,
ठीक है, सबसे बाद में कौन आते हैं, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, फिर उसके पहले, ठीक है बताइए। ठीक है चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा हेल्थ डाउन नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विकास के क्लासिकी सिद्धांत में के निम्नलिखित प्रतिपादकों को अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, क्या उत्तर होगा? तो पहले नंबर पे कौन आएगा भैया? पहले नंबर पे आप सभी लोग को पता है एडम स्मिथ आएंगे। ठीक है, कौन आएगा? एडम स्मिथ आएंगे ना पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएंगे भैया? दूसरे नंबर पे रॉबर्ट माल्थस साहब आ जाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा, नहीं दूसरे नंबर पे जेएस मिल आएंगे, माल्थस से पहले कौन आएगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए। 2, 1, 4, 3 कई लोग बता रहे हैं, और कोई? पहले नंबर पे हाँ ठीक है, पहले नंबर पे एडम स्मिथ, दूसरे नंबर पे माल्थस, ठीक है, तीसरे नंबर पे मिल, हाँ तीसरे नंबर पे जेएस मिल आ जाएंगे, और लास्ट में आते हैं दोस्तों रिकार्डो साहब, क्योंकि ये अनुवर्ती क्रम की बात कर रहा है। ठीक है, ये अनुवर्ती क्रम की बात कर रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो जितने लोग भी एक ही बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा कि जब दो अथवा अधिक देश अपने मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयात अभ्यास अर्थात कोटा तथा प्रशुल्क समाप्त करने के लिए समझौते करते हैं, तो इस प्रकार के देशों के समूह के संगठन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करिए। चलिए ठीक है, और दोस्तों अभी तक जितने लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं कर रहे हैं, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब दोस्तों आपके पास एक तरीके से देखिए तो समय बहुत ज्यादा नहीं है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि चुनाव का डेट अब 10 तारीख को है, उसके बाद दोस्तों फिर से क्या होगा दोस्तों, गठन होगा सदस्यों का, और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी का अध्याचन लिया जा रहा है, लगातार उस पर काम चल रहा है, तो जैसे ही दोस्तों नए सदस्यों का गठन होता है आपको वैकेंसी 100% देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जितने लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे फिर हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो विश्वास मानिए कि एग्जाम आने आने तक आपको किसी भी प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। और जो लोग भी दोस्तों क्लास ज्वाइन किए हैं, मैं आपसे बता दूं कि एक एक चीज, हर चीज को वहां पे दोस्तों करवाया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, आराम से करेंगे, एक एक चीजों को करेंगे, लेकिन हर चीज को करेंगे, कुछ भी चीज छूटेगा नहीं। ठीक है, वहां पे संडे टू संडे आपका टेस्ट होगा, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मीन्स एक बार एडमिशन लीजिए तब तक पढ़िए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होना है, हो जाता है दोस्तों। एडमिशन के लिए 2000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मुक्त व्यापार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विदेशी विनिमय बाजार में हेजिंग निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? हेजिंग किसकी ओर संकेत करता है? मैं भी जैसे कई दिनों से क्लास नहीं लिया था, तो मेरा भी जो गला है वो कंफर्ट नहीं हो रहा, अभी एक दो दिन क्लास ले लूंगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विदेशी विनिमय बाजार में हेजिंग निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? हेजिंग तो बच्चों वाली बात है भैया, जो लोग पढ़ रहे हैं लगातार हमारे साथ वो हेजिंग में हेजिटेट तो नहीं होंगे ना, तो जितने लोग भी बी करेंगे ठीक करेंगे, जो लोग भी बी नहीं करेंगे गलत करेंगे। ठीक है, तो भविष्य में विदेशी विनिमय दरों के उच्चावचनों के जोखिमों से प्रतिरक्षित करना, मतलब हेजिंग क्या होता है कि भविष्य में जो विदेशी विनिमय दर है उससे क्या करना, उसमें उतार चढ़ाव जो आते हैं उससे अपने आप को क्या कर देना, सुरक्षित कर लेना, कि हमको
फ्यूचर में क्या हो हमको बहुत ज्यादा हानि का सामना न करना पड़े। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलिए अशोक कुमार राजपूत जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब मैं आ गया हूं, लगातार क्लासेस आप लोग की होगी, ठीक है। चलिए ठीक है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन संरक्षणवादी व्यापार नीति का मजबूती से समर्थन करते हैं? मजबूती से भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से कौन संरक्षणवादी व्यापार नीति का मजबूती से समर्थन करते हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर, जो गलत करेगा ना, सही बता रहे आप लोग, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, जो गलत करेगा। अब ऐसे प्रश्नों में गलतियां क्यों होंगी भाई, क्योंकि पूरे अर्थशास्त्र में अगर जो संरक्षण की बात हम लोग पढ़ते हैं तो दो ही अर्थशास्त्रियों को पढ़ते हैं, एक तो फ्रेडरिक लिस्ट को पढ़ते हैं और दूसरा हैमिल्टन साहब को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें दिमाग लगा के बी सी की तरफ जाने की जरूरत क्यों है, क्यों दिमाग लगा रहे हैं भैया? जितने लोग भी गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं? ये संरक्षणवादी व्यापार नीति की बात कर रहा है दोस्तों। तो जितने लोग भी फ्रेडरिक लिस्ट और हैमिल्टन की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, सॉरी थोड़ा मैं एडजस्ट करता हूं इसको, इस प्रश्न का उत्तर करिए। इष्टतम प्रशुल्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब इष्टतम प्रशुल्क जब आपके सामने आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया इष्टतम प्रशुल्क वो होता है जिस शुल्क से सुलभ अधिकतम हो, ठीक है। मतलब ऐसा शुल्क जो दूसरे से लिया जाए और जो दूसरे के द्वारा दूसरे लोग जो इससे बेनिफिट प्राप्त करे, तो एक तबका की जो हानि हुई है उसकी अपेक्षा में जो दूसरे तबके को लाभ उससे ज्यादा हो, ठीक है। तो उसके संदर्भ में बताइए, मतलब शुल्क से सुलभ अधिकतम हो, ठीक है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। इष्टतम प्रशुल्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है भैया? विचार करना है। चलिए विचार करिए, विचार करके बताइए, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। आपसे नंबर कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं क्या, ये बोल रहे हैं क्या, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि लाभार्थी देश विश्व बाजार में किसी विशेष वस्तु के बारे में बड़ा उत्पादक देश होता है, बात 100% ठीक है। और इष्टतम प्रशुल्क में विचलन से कल्याण में गिरावट प्राप्त होगी, बात ये भी ठीक है। तो जितने लोग भी एक ही बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि लाभार्थी देश विश्व बाजार में किसी विशेष वस्तु के बारे में बड़ा उत्पादक देश होता है और इष्टतम प्रशुल्क में विचलन से कल्याण में गिरावट प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या है ना कि जब भी आप लोग मूर्ति देखते होंगे ना, तो वहां पे देखते होंगे कि जो सरस्वती माता होती है ना वो बैठी हुई होती है और जो लक्ष्मी माता होती है ना वो हमेशा खड़ी हुई होती है। अगर जो मूर्ति आप देखेंगे ना तो लक्ष्मी माता की मूर्ति हमेशा आपको खड़ी दिखाई देता है, पता है, इसलिए दिखाई देता है ना कि जो लक्ष्मी होता है ना दोस्तों, जो पैसे रुपए होते हैं ना, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, यूं हाथ में आया यूं चला गया। लेकिन एक बार अगर जो दोस्तों आपके पास ज्ञान आ गया ना, तो वो ज्ञान आपके अंदर इस तरीके से बैठ जाता है कि जब तक आप जिंदा रहते हैं दोस्तों वो आपके पास रहता है, बशर्ते आप मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और एक स्ट्रेटजी के तहत आप दोस्तों तैयारी करते रहिए। और दोस्तों क्या है ना कि कोई भी चीज तैयार करने की जरूरत नहीं है, एक सड़क से जब आप बार बार गुजरेंगे ना दोस्तों, एक सड़क से जब आप बार बार गुजरेंगे ना, तो उस सड़क को आप याद करने की जरूरत नहीं होंगे, उससे आप यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज पढ़ाई में भी होता है, किसी भी चीज को रट्टा नहीं मारना चाहिए, रट्टा मार लिया याद हो गया, ठीक है, उसको बार बार देखते रहिए, समय देते रहिए, समय देते रहिए, सब कुछ तैयार हो जाएगा, हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने रहा कि निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति का परिणाम सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर एक विशिष्ट प्रशुल्क और एड वो लोरम प्रशुल्क दोनों लगाने के रूप में सामने आता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, सी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, इसे दोस्तों बोलते हैं यौगिक प्रशुल्क। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा जरूर दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति का
परिणाम सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर एक विशिष्ट प्रशुल्क, आयातित मतलब जो आयात हो रहा है, और एक एड वो लोरम प्रशुल्क, दोनों लगाने के रूप में सामने आता है दोस्तों, तो इसे यौगिक प्रशुल्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी की तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया, भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन कब किया गया, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। थोड़ा लाइक शेयर भी जरूर करते रहिए दोस्तों, इतने सारे लोग जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम है। चलिए कि भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन कब किया गया, भैया 3 ईयर तो आपको बहुत जरूरी से तैयार होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ हमें नहीं लग रहा है कि कुछ लोग जाएंगे क्या, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बोल रहे हैं कि भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया तो 1949 में किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा कि मुद्रा विनिमय में टकसाल समता सिद्धांत का तात्पर्य है, ठीक है। टकसाल समता सिद्धांत का तात्पर्य क्या है मुद्रा विनिमय में आपको बताना है दोस्तों, चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ठीक है कि मुद्रा विनिमय में टकसाल समता सिद्धांत का तात्पर्य है, ठीक है। 1949, 66 और 91, बिल्कुल ठीक है, बात 100% आपको ठीक है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, क्या उत्तर आ रहा है भैया, टकसाल समता सिद्धांत का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी बी के तरफ जा रहे हैं दोस्तों लचीली विनिमय दरों की बात जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने रहा कि ईईसी अर्थात ईईसी देशों द्वारा 1993 में अपनी करेंसियों की एक दूसरे के सापेक्ष विनिमय दर को एक तंग पट्टी में सीमित रखने के निर्णय को कहते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, थोड़ा सा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए, स्नैक इन द टनल, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने दोस्तों ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए, चलिए क्या वफरिंग का इशू आ रहा है क्या दोस्तों, वफरिंग की इशू आ रही है क्या, बफरिंग की इशू आ रही है क्या, बफरिंग की इशू आ रहा है क्या, अब तो ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलिए प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं दोस्तों 1975 में सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि प्रथम क्षेत्र ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों 1975 में। क्यों की गई थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास जो निवेश की क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके, जिससे लोगों की आय बढ़ सके और वो राष्ट्रीय आय में अपना योगदान दे सके। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, ठीक है, चलिए कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी भैया बताइए। चलिए ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, ठीक है, ठीक है। ये दोस्तों औद्योगिक वित्त की शीर्ष संस्था है कि नहीं है, है ना, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि औद्योगिक वित्त की शीर्ष संस्था कौन है, तो भारतीय औद्योगिक वित्त बैंक है दोस्तों, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, IDBI, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, गलतियां होती है बहुत सारी, और जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 1964 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि किस योजना के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई गई है, प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि किस योजना के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई गई है, प्यारा सा प्रश्न है, चलिए बताइए, ठीक है।
चलिए चलिए, अच्छा सा प्रश्न है ये, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए ठीक है, तो देखिए अग्रणी बैंक योजना अर्थात लीड बैंक योजना इसे कहा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि किस योजना के अंतर्गत जिला शाख योजना बनाया गया। तो ये लीड बैंक योजना के तहत अर्थात इसे ही दोस्तों अग्रणी बैंक योजना भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि 1999 में MS वर्मा की अध्यक्षता में किसके पुनर्जीवन के लिए सुझाव देने का कार्यकारी समूह बनाया गया था। अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा आराम से और धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा, ठीक है। चलिए आराम से और धैर्य से, थोड़ा लाइक और शेयर भी दोस्तों सेशन को जरूर करते रहिए। और अब दोस्तों एकदम ईमानदारी से तैयार हो जाइए, हम लोग अब दोस्तों प्रत्येक दिन 7 बजे मिलेंगे और मजा आने वाला है। धीरे धीरे जो हमारी कंटिन्यूटी आप लोगों की और हमारी टूटी हुई थी, थोड़ा सा हो सकता है कि आज आपको थोड़ी सी चीजें अटपटी लगे, लेकिन कल से दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, डी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं ना, हाँ डी, ठीक है, डी की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कि 1999 में MS वर्मा, ठीक है, वर्मा साहब को याद रखिएगा भैया, MS वर्मा की अध्यक्षता में किसके पुनर्जीवन के सुझाव के लिए कार्यकारी समूह बनाया गया था। तो कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से असंगठित मुद्रा बाजार का अंग है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। देखने में प्रश्न बहुत ईजी है लेकिन गलतियां बहुत सारी होती हैं, ठीक है, देखने में प्रश्न जो है वो बहुत इजी है लेकिन गलतियां दोस्तों बहुत सारी होती हैं, ठीक है। संगठित और असंगठित, ठीक है, ठीक है, एक हम लोग पढ़ते हैं ना, एक परंपरागत, ठीक है, मुद्रा के स्रोत और एक गैर परंपरागत मुद्रा के स्रोत, उसमें वही दोस्तों उसी से संबंधित है संगठित और असंगठित, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं क्या बी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। साहूकार जो होते हैं दोस्तों ये गैर परंपरागत शाख के स्रोत होते हैं या ये असंगठित मुद्रा बाजार के अंग होते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है लेकिन ये भी क्या है दोस्तों, एक मुद्रा के स्रोत है, ठीक है। हम अगर जो आपसे एक प्रश्न पूछे, ठीक है, एक प्रश्न ऐसे पूछा गया था किसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि ये बताइए कि साख को प्राप्त करना, अर्थात सभी लोग उत्तर दीजिएगा जरूर, ठीक है, आप सभी लोग उत्तर जरूर दीजिएगा कि ऋण को प्राप्त करना क्या बैंकों से, बैंक से ऋण प्राप्त करना ज्यादा आसान है या जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं जैसे साहूकार हो गए, जैसे देसी बैंकर हो गए, इनसे ऋण प्राप्त करना ज्यादा आसान है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर जो आपको ऋण प्राप्त करना है तो कौन सा माध्यम ऐसा है जिस माध्यम से आप आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, वो आप बैंक से, व्यापारिक बैंक से प्राप्त कर सकते हैं या साहूकार और महाजनों से प्राप्त कर सकते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है जैसा कि सभी भारतीय वित्तीय संस्थान होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। साहूकार और महाजन से ऋण प्राप्त करना बहुत आसान होता है, ठीक है, और आज भी यही रीजन है कि बहुत सारे गरीब तबके के लोग जो है वो शोषित हो रहे हैं साहूकार और महाजनों के द्वारा। हालांकि अब ये स्थिति इरिडिकेट होती जा रही है, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी जितने पिछड़े इलाके हैं वहां पे है, क्योंकि किसान जो है वो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो फॉर्मेलिटीज पूरा करने में उनको बहुत डर लगता है, ठीक है, डर लगता है। उसके बाद जो बैंकों के पास जाते हैं तो उनके सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन साहूकार के पास गए, महाजन के पास गए, कह कि भैया हमको 5,000 की ज़रूरत है, हमारी फसल ख़राब हो रही है, हमको सिंचाई करवाना है, 5,000 दे दीजिए, हमारे जैसे ही फसल की कटाई हो जाएगी मैं आपको 5,000 रुपये वापस कर दूंगा, तो एक हाथ से लेते हैं फिर उसको वापस भी कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके मध्य उनका शोषण भी बहुत किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए
कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, जैसा कि सभी भारतीय वित्तीय संस्थान होते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर भैया सी के तरफ जितने लोग भी जा रहे हैं ना, बहुत गड़बड़ आप कर रहे हैं। सी के तरफ कैसे जा रहे हैं आप लोग? ये भारतीय निर्यात आयात बैंक होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीयकृत आवास गृह बैंक होगा, भारतीय स्टेट बैंक थोड़ी होगा इसके अंतर्गत, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होगा। तो जितने लोग भी ए करेंगे ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ दोस्तों बिल्कुल ठीक होगा, एक दो और चार, ठीक है, एक दो और चार यहाँ पे सही होंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी के तरफ क्यों जा रहे हैं भैया? भारतीय निर्यात आयात बैंक होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, ठीक है, तो बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला ये बताइए कि भारत में छोटे तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्थाएं कौन सी हैं? चलिए भैया बताइए, ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, बताइए कि भारत में छोटे एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्थाएं क्या है? देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य दोस्तों यही है ना कि हम लोग स्टिल जो है इकोनॉमिक्स बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं ना, जैसे ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर जो आप छोटा उद्योग खोलना चाहते हैं या आप बड़े उद्योग को खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आप वित्त ले सकते हैं, सरकार ने आपको ये अधिकार दिया है और इसके लिए वित्तीय संस्थाएं भी सरकार के द्वारा बनाई गई है। लेकिन स्टिल जनता में इस ज्ञान का अभाव है, उनको ये लगता है कि भैया छोटा कोई भी उद्योग अगर जो हमको लगाना है तो हमको अपने पास जो हमारी सेविंग होगी उसी से हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इतनी भयंकर निरक्षरता, ठीक है, जहाँ पे इतनी इलिटरेसी हो, जहाँ पे लोग साक्षर ना हो, ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि सरकार को कोई योजना जो बनानी चाहिए वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिलती है और सतही स्तर पर इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है, और जो बड़े बड़े किसान होते हैं इस योजनाओं का मुनाफा तो उठा पाते हैं, लेकिन जो नीचे तबके के लोग होते हैं वो इस योजनाओं का मुनाफा नहीं उठा पाते हैं। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, SIDBI, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि मुद्रा बाजार में निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय संस्थान प्रचलन में है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। मुद्रा बाजार में निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय संस्थान प्रचलन में है? कौन से वित्तीय संस्थान जो है वो प्रचलन में है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है भैया? ऑप्शन नंबर, ठीक है, एक तो पहला हो जाएगा गैर वित्तीय संस्थान, ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्वीकृति ग्रह, और तीसरा जो हो जाएगा दोस्तों सेंट्रल बैंक होगा। स्टॉक एक्सचेंज का कोई मतलब नहीं होता है, मुद्रा बाजार से संबंधित जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना दोस्तों। तो जितने लोग भी डी की बात कर रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा के निम्न कार्य पर अधिक बल देता है। दोस्तों एप्लीकेशन पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो जो लोग भी कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ रहे हैं दोस्तों, अगर जो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो ये अब हमारी फॉल्ट नहीं है, इसको मैंने इस बात को एक नहीं अनेकों तरीके से आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनिर्वाण जी, अनिल जी, रागनी सिंह जी, ए के बॉस जी, संजय कुमार जी, रेणु जी, विनोद जी, दीक्षा सिंह जी, अमरेश यादव जी, आरिफा जी, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करिए कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का जो ये कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण की बात करें, ठीक है, तो बताइए, ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर
ठीक है, चलिए। कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा के किस कार्य पे अधिक बल दे रहा है? अभी तक किसी का उत्तर राइट नहीं आया, अभी तक किसी का भी उत्तर नहीं राइट आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नगद शेष दृष्टिकोण याद है कि नहीं याद है? कैम्ब्रिज दृष्टिकोण को नगद शेष दृष्टिकोण भी कहते हैं ना दोस्तों। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने यही कहा था ना कि जो मुद्रा है इसका महत्वपूर्ण ये है कार्य है कि ये मूल्य का संग्रह करता है। क्यों करता है भैया? क्योंकि आप मूल्य का संग्रह करेंगे तो भविष्य में चल करके आपकी जो निवेश की क्षमता होगी वो अत्यधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना भाई। कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। इजी सी बात है, ऐसे प्रश्न को आप गलत करेंगे ना 100% आप मान के चलिए कि लाखों लड़कों से पीछे आप चले जाएंगे। ऐसे प्रश्न को गलत करेंगे लाखों लड़कों से पीछे चले जाएंगे। और एप्लीकेशन पे मैंने बहुत ही सविस्तार से बहुत ही कम समय में हर बात को यहाँ पे बताया, इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि एप्लीकेशन पे क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। अगर जो एप्लीकेशन पे क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे तो सारे प्रश्नों को डायरेक्ट तैयार करना बहुत मुश्किल है। यहाँ भी दोस्तों एप्लीकेशन पे पूरी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़िए, साथ ही साथ यहाँ पे 7 बजे हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ आपको दोस्तों यहाँ पे करवा दिया जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ में आपके एग्जामिनेशन के दिन तक बना रहूंगा। ठीक है, 1 घंटे एप्लीकेशन पे पढ़िए, 1 घंटे 30 मिनट यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, कुछ भी छूटेगा नहीं। संडे टू संडे आपको वहाँ पे टेस्ट होता है, साथ ही साथ वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स से पूरे नोट्स सिंपल साधारण भाषा में दिए जाते हैं और आपका दोस्तों वहाँ पे टेस्ट भी होता है। ठीक है, तो वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। इस प्रश्न को भी दोस्तों हमने पढ़ा दिया है एप्लीकेशन पे कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में MB = PT किसका समीकरण है भैया, पहले ये बता दीजिए। ठीक है, MB = PT प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है वो सही है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी है दोस्तों, ये वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने हेतु मुद्रा के औसत प्रयोगों को मापता है। तो ऑप्शन नंबर जितने भी सी की बात पर बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा की मांग के संबंध में सत्य है? ठीक है, बिल्कुल फीसर साहब जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। फीसर साहब ने क्या कहा था भैया? फीसर साहब ने पहले दिया था MB = PT और बाद क्या किया था, M' और V' को यानी साख को क्या किया था, सम्मिलित किया था। ये बात मैंने बहुत अच्छे से बताया था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा की मांग के संबंध में सत्य है? मुद्रा के मांग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कोई ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। थोड़ा लाइक और शेयर भी करते रहिए दोस्तों, इतने सारे लोग जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम है। तो निवेदन है कि थोड़ा लाइक शेयर जरूर करिए, क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। ठीक है, चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा की मांग के संबंध में सत्य है? कौन सा कथन है भैया बताइए। चलिए तो क्या उत्तर होगा, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोग ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं क्या बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आय के स्तर में धनात्मक रूप से संबंधित तथा ब्याज की दर में ऋणात्मक रूप से क्या होता है दोस्तों, ये संबंधित होता है कि नहीं। इजी ऑप्शन नंबर ए ही तो होगा ना। क्यों गलतियां हो रही हैं, क्यों गलती हो रही भाई? देखिए ये एक लाइन में थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनिए कि मुद्रा की मांग के संबंध में, मुद्रा की मांग में क्या होता है दोस्तों। देखिए यदि आपके आय स्तर, ये आपके मुद्रा का जब मांग होता है दोस्तों ना, जब इसमें वृद्धि आती है तो इसमें क्या होता है, आपका आपका जो आय स्तर होता है वो धनात्मक होता है तथा जो ब्याज की दर होती है वो क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक रूप से संबंधित होती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक होगा ना, बच्चों वाली बात है, फिर भी गलतियां होती क्यों है? ठीक है, गलतियां होती इसलिए है कि कंसंट्रेशन थोड़ा सा आपका कम है, कंसंट्रेट होइए। ठीक है, बिना कंसंट्रेशन के सफलता नहीं मिलने वाली है। ठीक है, धैर्य, कंसंट्रेशन
और कड़ी मेहनत, जब तक ये तीनों चीज आपके पास नहीं है तब तक सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों मैं ऐसे 50 लोग को जानता हूँ जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, और मैं ऐसे 50 लोगों को और जानता हूँ जिन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ाई किया है और उनका सिलेक्शन हो गया है। इसलिए हो गया है कि जिन लोगों ने थोड़ा पढ़ाई किया ना वो कंसंट्रेशन, धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ पढ़े, और बहुत सारे लोग केवल पढ़ते रहते। देखिए पढ़ना एक अलग चीज है और उस पढ़ाई को रिजल्ट में कन्वर्ट करना एक दूसरी बात होती है, ठीक है। और वर्तमान समय में आप ज्ञानी भी बनिए और आपको रिजल्ट में अपने आप को कन्वर्ट करने भी आना चाहिए। और ये तीन मूल बात है जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग इसको ऊपर से उड़ा देते होंगे, ठीक है। तो ऊपर से उड़ा देते हैं भाई, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो जितना काम है उतना करता हूँ। मेरी तो यही कामना रहती है कि आप लोग सभी लोग सिलेक्शन लेके जरूर आए, ठीक है। लेकिन जो बातें कही जाती है उसको आत्मसात करने का प्रयास जरूर किया करिए, ठीक है। अगला प्रश्न, कि अन्य बातें समान हो तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होगा। मुद्रा की पूर्ति में अगर जो वृद्धि हो जाएगा भैया तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम तो यही हो जाएगा ना कि आपका जो आय होगा वो ऊंचा हो जाएगा और जो ब्याज की दर हो जाएगी वो नीची हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा ऑलरेडी आ जाएगा तो आप ब्याज लेंगे क्यों, ठीक है। तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, अगर जो मुद्रा आपके पास ज्यादा आ जाएगी तो आपकी जो आय होगी वो ज्यादा हो जाएगी और आपका ब्याज दर क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा, क्योंकि जो ब्याज आपको देने वाला है, जो ऋण आपको देने वाला है, उसको पता चल जाएगा कि भाई इसके पास तो ऑलरेडी पैसा है तो इसको अब कम ब्याज पे भी पैसा दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही सविस्तार से मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ा दिया है। अगला प्रश्न, कि मौद्रिक अर्थशास्त्री विश्वास करते थे, ठीक है, जो मौद्रिक अर्थशास्त्री थे अर्थात जो मुद्रा से संबंधित अर्थशास्त्री थे वे किसमें विश्वास करते थे भैया। अब जैसे बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे होंगे जिनको यही नहीं समझ में आएगा कि ये सर जी मौद्रिक अर्थशास्त्री का मतलब क्या है, मतलब मौद्रिक का मतलब क्या, मुद्रा से संबंधित, ठीक है। अब मुद्रा से संबंधित क्या, पैसे रुपए से संबंधित, साधारण भाषा में कहें तो, ठीक है। एक लोगों ने मुझे फोन किया, कहा सर ये कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री बहुत परेशान करते हैं। तो हमने कहा कि नहीं भैया कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ अर्थशास्त्री हैं, जैसे रॉबर्टसन हो गए, किन्स हो गए, ठीक है, पीगू हो गए, ये लोग कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और ये मुद्रा के संदर्भ में अलग अलग सिद्धांत दिए हैं कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मौद्रिक अर्थशास्त्री विश्वास करते हैं कि, क्या विश्वास करते हैं भैया बताइए, तो क्या उत्तर होगा। इन्होंने ये कहा था कि मुद्रा पूर्ति में कीमतों से पहले परिवर्तन होता है। चलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा, प्रश्न ट्रिकी है, ट्रिकी है प्रश्न, ट्रिकी है दोस्तों, ठीक है, प्रश्न ट्रिकी है। देखिए मुद्रा पूर्ति में कीमतों से पहले परिवर्तन होता है, बात ये पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग बात को समझ पा रहे हैं ना। जो लोग नहीं समझ पा रहे, सी सभी लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों सी सभी लोग कर रहे हैं भाई, सी आप लोग क्यों कर रहे हैं। ये देखिए ये कह रहा है कि मुद्रा पूर्ति में कीमतों से पहले परिवर्तन होता है। फीसर साहब ने क्या कहा था, कहा था कि मुद्रा की मांग में वृद्धि होने से कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। तो पहले उन्होंने मुद्रा की बात की थी ना, उसके बाद ना कीमत की बात की थी, तो क्यों इसको उड़ा दे रहे हैं भैया, ये तो बात ठीक है, ऑप्शन नंबर वन वाला तो ठीक है, इसको क्यों उड़ा के सी की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग सी 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 कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई भाई, इजी सी बात है। फिशर साहब ने क्या कहा था, यही तो कहा था ना कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से कीमत, मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से कीमत स्तर में वृद्धि हो जाता है लेकिन मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है, यही तो बात है। तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की पूर्ति में पहले परिवर्तन होगा और कीमत बाद में होगा, ठीक। अब देखिए दूसरा, मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के बाद होता है, तो जब पहला ये सही हो गया तो दूसरा तो भैया गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुद्रा की समान मांग कीमतों के साथ अनुपातिक रूप में बदलती है भैया, फिशर साहब बिल्कुल कहते हैं कि प्रत्यक्ष तथा अनुपातिक संबंध होता है, बात 100% ठीक है। आगे देखते हैं कि मुद्रा की वास्तविक मांग कीमतों के साथ समानुपातिक नहीं भैया, समानुपातिक रूप से नहीं, ये अनुपातिक और प्रत्यक्षता की बात करते हैं।
ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ए बच्चों वाली बात है, बहुत सारे लोग गलत कर दिए। ऐसे प्रश्न को गलत क्यों करेंगे भैया? इसलिए गलत कर रहे हैं ना क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका ठीक नहीं है। कॉन्सेप्ट ठीक रहता तो 100% सही करते इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग निर्भर करती है। ठीक है, मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है भैया? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए कि मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है भैया बताइए? ठीक है, पिछला वाला प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? यस नो में करिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर ए होगा ना, बिल्कुल ठीक है भैया, कि उस आय पर जो उसके धारक को प्राप्त होता है। ठीक है, जो उसके धारक को होना चाहिए प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए छोटी सी बात है। अगला, मुद्रा पूर्ति के बारे में आधुनिक विचार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समझ में आना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मुद्रा पूर्ति के बारे में आधुनिक विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो बहुत सारे लोग बीच से ही सेशन छोड़ के चले जाते हैं। वो तो कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ते हो गया। हाँ ठीक है, तो आज छोड़ देंगे तो फिर जिंदगी में हमेशा छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि पढ़ते हैं, नई चीजें समझ में आती है, छोड़ देते हैं। अरे भाई, छोड़ने से क्या होगा? छोड़ने से उसका इलाज होगा क्या? वो तो दिन प्रतिदिन और बदतर होता चला जाएगा। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, मेहनत करना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। आपको पूरे सेशन में 20 क्वेश्चन भी अगर जो तैयार हो रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो दिन भर में अगर जो 20 क्वेश्चन भी आप तैयार कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। चलिए, और सब मान लीजिए भूल जाए, लेकिन 20 क्वेश्चन भी आपके दिमाग में बैठ जाए तो बड़ी बात है। अगला, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, बी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं ना, कि मुद्रा पूर्ति के बारे में आधुनिक विचार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य ये नहीं है कि मुद्रा पूर्ति एक वाह तत्व है। ठीक है, ये नहीं की बात कर रहे हैं दोस्तों। मुद्रा, और इन्होंने मुद्रा पूर्ति एक वाह तत्व है को माना है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, ये किसकी बात कर रहा है? ये आधुनिक विचारधारा की बात कर रहा है। ठीक है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न कि यदि आई वाई तथा एम को स्थिर रखते हुए कैम्ब्रिज समीकरण में के का मान बढ़ाया जाए तो उससे क्या होगा? अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा कि यदि आई को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तथा यम को क्या किया जा रहा है, स्थिर माना जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कैम्ब्रिज समीकरण में फिर क्या कर दिया जाए, के को बढ़ा दिया जाए। तो जब के बढ़ जाएगा दोस्तों, तो उससे क्या होगा, सापेक्षिक कीमत स्तर जो हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा कि मुद्रा के विनिमय हेतु मांग प्रमुख रूप से फलन होती है। मांग किसका फलन होता है बताना है आपको। ठीक है, कि मुद्रा की विनिमय हेतु मांग प्रमुख रूप से फलन होता है, किसका फलन होता है भाई? अच्छा सा प्रश्न बताइए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा लाइक और शेयर भी दोस्तों करते रहा करिए, इतने सारे लोग जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या काफी कम रहती है। तो निवेदन है आप सभी लोगों से कि लाइक शेयर जरूर करते रहा करिए। ठीक है, कि मुद्रा की विनिमय हेतु मांग प्रमुख रूप से फलन होता है, किसका फलन होता है भैया? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा ना, आय का बच्चों वाला प्रश्न है, गलतियां हो रही हैं। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि मुद्रा की विनिमय हेतु मांग प्रमुख रूप से फलन किसका होता है, ये होता है दोस्तों आय का। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा
कि निम्नलिखित में से किसने मुद्रा को मापने मुद्रा को कल्याण के मापने का पैमाना बताया। अच्छा सा प्रश्न है कि किसने ये कहा कि मुद्रा के द्वारा लोगों के कल्याण को मापा जा सकता है, किसने ये बात कही थी। अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, मजेदार सी बात है, बहुत मजेदार सी बात है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किसने मुद्रा को कल्याण के मापने का पैमाना बनाया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, पीकू साहब की तरफ जाएंगे, बिल्कुल ठीक जाएंगे, ठीक है। एसी पीकू, अगला। सामान्यता व्यक्ति आय के एक निश्चित अंश का मुद्रा शेष के रूप में रखना चाहते हैं, यह कथन संबंधित है, किससे संबंधित है भैया बताइए, कौन कहा था ये बात। ये भी बात पढ़ा दिया गया है, ये भी बात पढ़ा दिया गया है एप्लीकेशन पे। जो लोग एडमिशन लेके पढ़ रहे आपको नहीं आ रहा है तो आप जरूर उसको रिवाइज करिए, ठीक है। देखिए, सामान्यतः व्यक्ति आय के एक निश्चित अंश का मुद्रा शेष के रूप में रखते हैं, मतलब किसने ये बात कही थी कि जो आय होता है उस आय का एक निश्चित अंश जो होता है वो कहाँ पे चला जाता है, बचत के अंतर्गत चला जाता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि केन्जियन समीकरण में से, सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि उत्पादक परिसंपत्तियों के रूप में मानव परिसंपत्ति का मुद्रा के सिद्धांत में उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है भाई बताइए। चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। कि उत्पादक परिसंपत्तियों के रूप में मानव परिसंपत्ति का मुद्रा के सिद्धांत में उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ना, हाँ सी बोल रहे हैं जितने लोग भी, फ्रीडमैन को, सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि उत्पादक परिसंपत्तियों के रूप में मानव परिसंपत्ति का मुद्रा के उत्पत्ति के मुद्रा के सिद्धांत में उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है फ्रीडमैन साहब को। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग दूसरी होनी चाहिए, परिसंपत्तियों की मांग के साथ निर्धारित होती है, यह विचार किसने दिया, ठीक है, ठीक है। तो वही बात हो गई ना, मुद्रा एक परिसंपत्ति है, ये बात तो याद रखनी है, ये बात याद रख लेंगे तो ठीक है। दूसरी होनी चाहिए, दूसरी परिसंपत्तियों की मांग के साथ ही निर्धारित होती है, ये दोस्तों फ्रीडमैन ने कहा था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करिए भैया। चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, सूची वन को सूची टू के साथ आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करिए, ठीक है। अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करना। चलिए भाई करिए, कृषि संपदा एवं आय कराधान समिति, ठीक है, इससे कौन संबंधित है भैया, ऑप्शन नंबर कौन संबंधित है, राज साहब ना, ठीक है। तो जितने लोग भी ए के एन राज की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। प्रत्यक्ष कर जांच समिति जो 1970 में आई थी, ये वांचू साहब से संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये के एन वांचू। कर सुधार समिति दोस्तों चलाया साहब को नहीं भूला जा सकता है क्योंकि बार बार प्रश्न बनते हैं। और अप्रत्यक्ष कर समिति की बात करें दोस्तों तो ये झा साहब आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग इसको सुमेलित कर चुके होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कर देने के भार के वितरण को क्या कहते हैं। देखिए प्रश्न इजी लेकिन कंफ्यूजन बड़ा है, प्रश्न इजी लेकिन कंफ्यूजन बड़ा है। देखने में लगेगा कि भैया ये क्या हो जाएगा, ये देखने को लगेगा कि ये एक दो, ए बी और सी, ये तीनों उत्तर सही हो सकते हैं। प्रश्न इजी है लेकिन भ्रांतियां बहुत है इस प्रश्न में, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक, क्या बोला जाएगा भाई, चलिए बताइए क्या बोला जाएगा इसको, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सी होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इसे बोलेंगे कर का प्रभाव। ठीक है, तो कर देने के भार के वितरण को कहते हैं कर का प्रभाव। ठीक है, अगर जो कर देने का जो भार है इसका जो आप वितरण बोलते हैं तो यही तो कहते हैं ना कि इस समुदाय पे इतना कर का प्रभाव पड़ा, उस समुदाय पे उतना कर का प्रभाव पड़ा, इन पर उतना कर का प्रभाव पड़ा, उन पर इतना कर का प्रभाव, यही तो होता है ना विवर्तन। तो जब आप क्या करते हैं, वितरण नहीं करते, जब आप एक अपने टैक्स को दूसरे पे टाल देते हैं, ठीक है, वही तो होता है ना विवर्तन। तो विवर्तन तो दूसरी चीज हो गई है, ये वितरण की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कराधान में अनुपातिक वृद्धि के कारण राजस्व में अनुपातिक वृद्धि क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चलिए भाई बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि कराधान में अनुपातिक वृद्धि के कारण राजस्व में अनुपातिक वृद्धि क्या कहलाता है। अच्छा सा प्रश्न, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, दोस्तों देखिए ध्यान से करिएगा, गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखिए कराधान में अगर जो कर में अनुपातिक वृद्धि हो रही है तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि राजस्व में भी वृद्धि हो रहा है। कर में वृद्धि हो रहा है तो राजस्व में भी वृद्धि हो रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि ये कर की उत्प्लावकता की बात होती है। तो इतने लोग भी ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने रहा कि वस्तु के वजन आकार या नाप के अनुसार लगाया गया कर क्या कहलाता है। बच्चों वाला प्रश्न है, गलती नहीं करिएगा, बच्चों वाला प्रश्न है, कॉमन सेंस लगाइएगा इस प्रश्न को का उत्तर देने के टाइम। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो क्या उत्तर होगा भैया, चलिए ठीक है, तो क्या उत्तर होगा कि वस्तु के वजन आकार या नाप के अनुसार लगाया गया कर कहलाता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, इसको बोलते हैं दोस्तों परिमाण परक कर, अर्थात परिमाण। परिमाण में क्या होता है, हम लोग वस्तु के वजन को नापते हैं, आकार को देखते हैं, यही सब तो होता है ना। तो ये परिमाण परक कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा, बच्चों वाला प्रश्न है, फिर से कॉमन सेंस की बात है कि निम्नलिखित में से किस कर का घोषणात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और देखिएगा एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आएगा ना तो लोगों को लगेगा कि ये घोषणात्मक नहीं लिखा है, ये घर्षणात्मक लिखा है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको घोषणात्मक ना पढ़ के घर्षणात्मक पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि घर्षणात्मक प्रभाव भी कई बार देखने को मिलता है लेकिन घोषणात्मक प्रभाव रेयरली इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, आराम से करिएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, घोषणात्मक मतलब क्या, घोषणा कर दिया जाए, घोषणा कर दिया जाए, क्या घोषणा कर दिया जाए। गलती हो रही है, गलती हो रही है बच्चों वाले प्रश्न को, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं बच्चे वाले प्रश्न को, बड़े लोग गलत क्यों कर रहे हैं भाई, बच्चे वाले प्रश्न को बड़े लोग गलत क्यों कर रहे हैं। अरे भाई ये कह रहे हैं आपसे कि अगर जो सरकार घोषणा कर दे कि नमक की जो एक पैकेट है वो वर्तमान समय में एक के प्रति केजी 21 रुपए मिल रही है, ठीक है, और यही नमक की पैकेट आज से एक दिन बाद 50 रुपए केजी मिलेगी, 50 रुपए केजी या 500 रुपए केजी मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, आप दौड़े दौड़े मार्केट जाएंगे और नमक 10 केजी खरीद के रख लेंगे। रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे, तो जब रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, उत्पाद शुल्क की बात हो जाएगी ना। तो जितने लोग भी सी की बात करेंगे ना सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को जैसे हम देखते हैं ना दोस्तों, ठीक है, तो अब कभी कहीं भी आप लोग जाइएगा नहीं, जैसे हम देखते हैं ना कि पेट्रोल की प्राइस में क्या होता है, सरकार ने घोषणा कर दिया कि कल से पेट्रोल 2 रुपया महंगा हो जाएगा, आज रात्रि 12 बजे से 2 रुपये पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो अचानक पेट्रोल पंप पे क्या हो जाती है, भीड़ लग जाती है, लोग 10-10 लीटर 5-5 लीटर पेट्रोल डलवाने लगते हैं गाड़ियों में। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रत्येक दिन क्लास शाम को 7 बजे से स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे अभी तक जितने लोग भी इकोनॉमिक्स के
कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की है आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे तो विश्वास मानिए कि आपके सारे कंफ्यूजन भी दूर होते रहेंगे। और ये जो सेशन आप करेंगे दोस्तों, तो आप वहाँ कॉन्सेप्ट पढ़िए, इस सेशन से देखिए किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, ए टू जेड आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, बशर्ते आप सिंसियरिटी से दोस्तों वहाँ पे पढ़ाई करिए। वहाँ पे ए टू जेड आपको इकोनॉमिक्स की थियरी की क्लास दी जा रही है, संडे टू संडे आपका टेस्ट होता है जिससे आप अपना इवेलुएशन कर पाएंगे, और आपको क्लास नोट्स दिए जाते हैं सिंपल सटीक और साधारण भाषा में। वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है, और एडमिशन फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपया, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए एडमिशन ओपन है दोस्तों, 2000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा इस नंबर पे 9415868673 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से दोस्तों आप पेमेंट करेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। कोई भी आपको इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अब मैं आपकी कमेंट को यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक सिस्टमेटिक वे से अगर जो आपको हमारे साथ लगना है तो आप एप्लीकेशन पे क्लास 1 घंटे पढ़ा करिए, और 1 घंटे 30 मिनट हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ा करिए। और देखिए दोस्तों, जो सफलता होती है ना वो 1 दिन में 2 दिन में 1 महीने में 2 महीने में नहीं मिलती है, उसके लिए कंटिन्यूअस आपको लगना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस लगे हैं, और उन्हीं लोगों से आपका क्या है, कंपटीशन है। तो जब तक आप लगातार नहीं लगेंगे उन लोगों के जैसे 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 लोग लग के तैयारी कर रहे हैं, तब तक आपको सफलता कैसे मिलेगी, नहीं मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। कमेंट में पढ़ता हूँ, रश्मि तिवारी जी थैंक यू वेरी मच, तस्नीम खान जी थैंक यू वेरी मच, अनिर्भान जी थैंक यू वेरी मच, दीक्षा सिंह जी थैंक यू वेरी मच, अशोक जी थैंक यू, कोमल जी थैंक यू वेरी मच, आई एम जी थैंक यू वेरी मच, रेणु जी थैंक यू वेरी मच, आई एम जी थैंक यू वेरी मच, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक सी बातें हैं उसी पे आपका सफलता निर्भर करता है। बेसिक सी बातें ये है कि हार्ड वर्क करिए। हार्ड वर्क का मतलब कोई ये जरूरी नहीं है कि आप 15 घंटे रोज करिए। हार्ड वर्क मतलब ये है कि अगर जो आप 4 घंटे एक दिन में पढ़ रहे हैं ना, तो उस 4 घंटे को प्रत्येक दिन पढ़ा करिए। कोई जरूरी नहीं है 10 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माइंड की एक कैपेसिटी होती है। 4 घंटे आप पढ़ रहे हैं ना, तो 365 दिन में कम से कम 360 दिन ऐसा प्रयास करिए कि आप 4 घंटे रेगुलर पढ़े, यही आपका हार्ड वर्क है। कोई जरूरी नहीं है कि 18 घंटे ही पढ़े, ठीक है, लेकिन उस कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। और साथ ही साथ दोस्तों, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन जरूर करते रहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि बिना रिवीजन के भी चीजें संभव नहीं हो पाती हैं, ठीक है। रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार करते रहेंगे, माइंड में चीजें सब ऑटोमेटिक फीड होती जाएंगी। मिलेंगे दोस्तों कल हम लोग एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ 7 बजे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा सा जाते जाते शेयर करते हुए जाइए, लाइक करते जाइए दोस्तों, नमस्कार धन्यवाद।